नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के स्कूल सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे। झारखंड के सरकारी स्कूल सुबह 6 से 12 बजे तक ही खुलेंगे। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर उन जिलों के उपायुक्त या जिला शिक्षा अधीक्षकों ने अपने उस आदेश को वापस लेने लगे हैं जिन्होंने स्कूलों का समय बदलकर सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक कर दिया था। बता दें, रांची में भी 2 मई को आदेश जारी कर स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक किया गया था। एक दिन बाद ही रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस आदेश को वापस लेते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 13 अप्रैल को जारी अधिसूचना के आलोक में स्कूलों के संचालन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के प्रभाव से कई इलाकों में मंगलवार को हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। रांची, हजारीबाग और इसके आसपास के ग्रामीण इलाके समेत अन्य स्थान पर ओलावृष्टि भी हुई है। इससे खेतों में खड़ी तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जी वर्गीय फसल को नुकसान भी पहुँचा है। बता दें, रांची के बुड्डू हुटा जड़िया निवासी 44 साल के पुष्कर मुंडा और पतरातू के पारगढ़ा निवासी गणेश महतो की ठनका की चपेट में आने से मौत भी हुई है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट आने में होगी देरी। झारखंड एकेडमी काउंसिल की ओर से ली गई मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई है। वहीं अब तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य नहीं हो पाया है। उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार शहर में 12 मई से कुल 6 मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य शुरू की होगी। इस बार मूल्यांकन कार्य में करीब 1100 शिक्षक लगाए जाएंगे। शिक्षकों की कमी नहीं हो इसके लिए वित्त रहित इंटर कॉलेजों के साथ ही स्थापना अनुमति प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूल व कॉलेजों के शिक्षक भी इस कार्य में लगाए जाएंगे। सीएम हेमंत को नोटिस मिलते ही रेस हुई भाजपा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैदराबाद से लौटते ही अपनी कोर टीम के साथ चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए मंत्रणा करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री के लौटने का कोई कार्यक्रम मंगलवार की देर शाम तक फाइनल नहीं हो सका था। वे फिलहाल अपनी मां का इलाज कराने के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार वहां से लौटने के बाद राज्य के अनुभवी अधिवक्ताओं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के वकीलों से परामर्श लिया जा सकता है। अभी तक लौटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने की वजह से बहुत कुछ तय नहीं हो सका है। कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं बोर्ड परीक्षा कल से। झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची ने 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा 5 मई से शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तरह भी इन कक्षाओं की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होगी। सभी परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार कर ली गई है। पूरे राज्य में करीब 15 लाख बच्चे इन परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं रांची जिले में करीब 55,000 बच्चे इन परीक्षा में शामिल होंगे। गूगल क्रोम को तुरंत अपडेट करें नहीं तो लीक होगी गोपनीय जानकारी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने वेब ब्राउजर गूगल क्रोम को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी है। इसमें कुछ बग लगा है जो यूजर्स की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। CERT के मुताबिक डेस्कटॉप के लिए क्रोम ब्राउजर में कुछ प्रमुख कमजोरियां देखी गई है, जिस पर गूगल ने इन कमजोरियों को स्वीकार किया है और एक सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इसका समाधान करते हुए तुरंत सुधार करने का निर्देश जारी किया है। कोरोना के चौथी लहर में 12 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अब 12 से 17 साल तक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदों के मुताबिक छात्रों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवोवैक्स नोवावैक्स वैक्सीन उपलब्ध कराया है। कंपनी के CEO आदार पूनावाला ने इसकी पुष्टि करते हुए मंगलवार को कहा है कि COVID-19 वैक्सीन कोवोवैक्स अब भारत में बच्चों के लिए उपलब्ध है। हेमंत सरकार के 3 मंत्रियों के बेटा बेटी JPSC में पास। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC मेंस रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आनन फानन में ये परीक्षा परिणाम सिर्फ 47 दिनों में निकाले गए हैं। हालांकि PT रिजल्ट के बाद अब मेंस रिजल्ट पर भी सवाल उठे हैं। बता दें, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के 2 मंत्रियों के बेटा बेटी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। अगर यह सही है तो इसका जवाब JPSC को देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने ट्वीट पर
लिखे संदेश में कहा है, मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों के बेटे व बेटी ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में पास की है। झारखंड में शराब कारोबार ठप। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 8 जिलों में शराब की दुकानें नहीं खुली। बता दें इन जिलों में रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला शामिल है। इन जिलों के लिए मैन पावर उपलब्ध कराने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते यह समस्या सामने आई है। इन जिलों के लिए बैंक गारंटी की राशि जमा नहीं करने के चलते इकरारनामा नहीं हो सका, जिसके चलते दुकानें नहीं खुली। वहीं जिन 16 जिलों में दुकानें खुली वहां कई जगहों पर बियर की किल्लत की सूचना मिली है। सूचना है कि बियर की सप्लाई नहीं होने के चलते यह समस्या सामने आई है, जिसके समाधान का प्रयास जारी है। सरकारी स्कूलों में लगातार 18 दिनों तक चलेगा ऑडिट कार्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों में सोमवार से ऑडिट का कार्य शुरू हो गया है। यह लगातार 18 दिनों तक अर्थात 20 मई तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के ऑडिट की जिम्मेदारी उन आकेक्षकों को ही दी है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 का आंतरिक आकेक्षण किया था। बता दें कुल 14 आकेक्षकों में प्रत्येक को जिला आवंटित करते हुए समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित जिला कार्यालयों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों, समर्थ विद्यालयों एवं सभी सरकारी विद्यालयों की प्रबंधन समिति में पिछले वित्तीय वर्ष खर्च की गई राशि का ऑडिट कराने को कहा गया है। धन्यवाद।